स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। कल की डेट में हमने एक वीडियो दिया था जिसमें आपको बताया था कि एडमिट कार्ड जनरेट हो रहे हैं और डेमो एडमिट कार्ड है ये, एक्चुअल में इसमें डेट में गलती है और ये जो है बाद में रीजनरेट किया जाएगा। तो कुछ बच्चों ने कह दिया सर फर्स्ट ईयर का नहीं आया, सेकेंड ईयर का आया, एक्चुअल में सबका ही जनरेट हो रहा है। जैसे जैसे एग्जामिनेशन की जो क्राइटेरिया है फुलफिल होते जा रही है, फीस अटेंडेंस वगैरह बच्चों का, उसके बाद ये जनरेट हो रहा है। उसके बाद कुछ बच्चों का सवाल था सर एनसीवीटी पर तो हमारा दिखा नहीं रहा है, हमारे कॉलेज में भरा कि नहीं भरा। तो भाई इस बार जो सिस्टम है चेंज हुआ है, अगर आप हॉल टिकट को इस बार ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो ये हॉल टिकट एनसीवीटी से नहीं आ रहा है। स्किल इंडिया डिजिटल जो नई वेबसाइट आई है इस बार, स्किल इंडिया डिजिटल जहाँ पर आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन हुआ है, यहाँ पर हॉल टिकट जनरेट हो रहा है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी हॉल टिकट यहीं पर जनरेट होंगे। लेकिन रुक जाइए, जल्दीबाजी में आप लोग आधी अधूरी बात सुनते हो। देखो यहाँ पर 17 जुलाई लिखा हुआ है ना, तो 17 जुलाई को एग्जाम नहीं होगा प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल का एग्जाम आपके अपने टाइम टेबल पर ही होगा। ये जनरेट हो जा रहा है नो डाउट, कोई बात नहीं, लेकिन ये डेमो है, ये रेक्टिफाई होगा या करेक्ट, इसको करेक्ट किया जाएगा। और जो टाइम टेबल आपका जारी हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं एनसीवीटी का, कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड के बच्चों के, ऑल इंडिया पूरे भारत एनसीवीटी की बात हो रही है, वो 1 अगस्त और 3 अगस्त के बीच, मतलब 1, 2, 3 दिनों के अंदर जो है कराए जाएंगे 9:30 से 6 बजे के बीच। और सेकेंड ईयर की बात कर लिया जाए तो 5 और 6 अगस्त की डेट दी गई है। तो यही डेट आपके एडमिट कार्ड पर आएगी। यहाँ पर आप देख लो, अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि जैसे ये एनसीवीटी की साइट है, तो पहले यहाँ पर सारा कुछ होता था, बट आपने देखा होगा कि इस बार सारा डेटा शिफ्ट हुआ है। तो फर्स्ट ईयर के साथ साथ सेकेंड ईयर का भी डेटा शिफ्ट हुआ है। और कौन सी साइट पर आया, स्किल इंडिया डिजिटल पर आया। यहाँ से आपका आईटीआई कॉलेज सारा प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद आईटीआई कॉलेज फी वगैरह सारा कुछ जो है अपने पोर्टल से जनरेट करना है। सारे काम जो है स्किल इंडिया पर शिफ्ट कर दिया गया है एक्चुअल में, जो पहले एनसीवीटी पर हुआ करता था। ठीक है, तो इस चीज़ में परेशान होने की बात नहीं है। एनसीवीटी और ये सब चीज़ें आपको देखने की जरूरत नहीं है, कॉलेज पे जाइए। कॉलेज से बस एक बार सर हमारा एलिजिबिलिटी हो गया नहीं हो गया कांटेक्ट कर लीजिए। अब ऐसे अपने से ही बहुत से बच्चे होते क्या ना कि सर अपने से ही सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं। देखिए अपने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना कि जो नहीं करना चाहिए, पढ़ाई के अलावा आप अपने पढ़ाई पर फोकस करो, वो जरूरी है। आप सेल्फ प्रिपरेशन करो, अपनी तैयारी अच्छी करो कि यार नहीं एग्जाम में मुझे कैसे पास होना है, ये सब प्लानिंग करो। बाकी जो एग्जामिनेशन की एक्टिविटीज़ हैं, फी जमा करना है या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेशनल, ये सारे जो क्राइटेरिया फुलफिल करने का काम होता है, ये कॉलेज का होता है। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब होता है कि आप उस टाइम पर कॉलेज से संपर्क करके उन चीज़ों को करवा लें। ऐसा नहीं है कि आप ही करोगे, आपको ही देखना है, ये सब टेंशन की कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये सब आपकी जिम्मेदारी नहीं, कॉलेज की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कुछ काम आपका होता है, जैसे टाइम पर चीज़ों को सबमिट करना कॉलेज में, जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना, या फिर जो भी क्राइटेरियाज होती है उनको फिलफिल करना, और उस ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। ये डाउट आप क्लियर कर लो कि जो 17 जुलाई यहाँ पर आ रहा है, बहुत से बच्चों ने कहा कि कुछ लोगों को जैसे मैसेजेस भी आ रहे हैं, कुछ लोगों को मेल आ रहा है कि आपके एग्जामिनेशन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट कर दी गई हैं। तो जैसे ही कॉलेज कंप्लीट कर रहा है, कुछ लोगों को मैसेज, कुछ लोगों को मेल इस तरह से रिसीव हो रहा है, क्योंकि जो पोर्टल है वो चेंज हो चुका है, तो नए पोर्टल पे जैसे कार्रवाई हो रही है। अब जरूरी नहीं है कि सबको ही मेल जाए, सबको ही मैसेज जाए, है ना। तो ये डेट जो है ये डेट चेंज होगी, और कौन सी डेट रहेगी, डेट यही रहेगी जो पहले से टाइम टेबल जारी किया गया है एनुअल सिस्टम के लिए। और अभी बैक पेपर से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि कोई कोई बच्चा पूछ रहा है, तो बैक पेपर से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही, होपफुली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।